खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां शाहपुर की विभिन्न समस्या को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। संगठन मंत्री रवि तिवारी ने बताया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। किसानों को ना जमीन का मुआवजा मिल रहा है, ना अनाज का उचित दाम और ना ही समय पर खाद बीज मिल पाता है। साथ ही लोगों ने कहा कि खेती आवारा गोवंशों द्वारा नष्ट हो रही है। वहीं सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि सरकार सिर्फ गोवंशों के नाम पर राजनीति कर रही है। जगह जगह सड़कों पर गोवंशों से खेती के साथ साथ बड़ी दुर्घटनाएं होने से कई लोगों की जान जा चुकी है। इस मौके पर विधायक अभय मिश्रा, संगठन मंत्री प्रमोद शर्मा, प्रदीप पांडे, उमेश पाठक, डॉक्टर अखिलेश त्रिवेदी, राम प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मिश्रा, संतोष सोहगरा, शशि पांडे, मुरलीधर तिवारी, लवकुश तिवारी, राम लखन तिवारी, विनीत पांडे, संजय सिंह, रोहिणी प्रसाद समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रीवा से उमेश पाठक की रिपोर्ट। महीना अपन लेट, दो तीन महीना अपन विलंब है, बाकी तो अपन हाथों मारी पैरों मारी तो कुछ ना हो। अब काम करे जरूरत ही, राजनीति के जितने भीतर घाती रहे चीज छोड़ दी ना अपन। अब जितना है तो सब प्योर आइटम, अब जितना है तो प्योर आइटम। अब बड़ा बढ़िया जिंदाबाद लग बाबा से भाजपा मेरी माँ है। पहले कहा थे कि मेरे सर में जूता मार दा करेंगे, है सही कि नहीं? और पॉइंट का कुछ नहीं है तो भला कहीं कुर्सी मंच सोफा मिल जाता है, वहां ढोल मिला और बहुत जोर से जिंदाबाद कर दे और आनंद ले सब देखे कि यह दुनिया मिल जाती है। हमारे पास इतने कहा है कि अगर अपना के गांव में कौन दुर्घटना भई को खत्म हो गए तो यहाँ दुख विपत्ति पड़ा है तो हमका जरूर सूचना हो जाते हैं कि उनका तो सिर्फ एक काम बचा है। कभी उनका वीडियो ऑडियो सुनिए, कार्यक्रम को इनका सुनिए तो सिर्फ उनको रटना रहता है विकास पुरुष विकास पुरुष विकास पुरुष विकास पुरुष। और हाथ डालेंगे तो कहाँ डालते हैं? कहीं लैटरिन में हाथ डालेंगे। बोलते हैं तो किस तरह की भाषा बोलते हैं? कहा कि श्रीनिवास तिवारी को लोग कहते थे दादा न हो दौआ। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय सांसद जी को कि आपने मर्यादाओं का लंघन किया है। महीना अपन लेट,